आज हम देश की एक ऐसे कथाकार जो देश देश भर में धर्म की अलग जगा रहे हैं, ऐसे ही कथाचार जो किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसी शख्सियत आज बदरवास में जो एक धार्मिक आयोजन में श्रीमद् भागवत की कथा के करने के लिए आए हैं, ऐसे ही कथाचार डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारसक जी से आज हम साक्षात्कार कराएंगे। तो हमारा श्याम सुंदर पारसक जी से पहला जो सवाल है वह राष्ट्र में भारत को कैसे उन्नत राष्ट्र बनाया जाए, उनके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि वे किस प्रकार देश को संदेश देंगे। जय सिया राम। देखिए, श्रीमद् भागवत में भूदेवी ने भगवान पितरों से कहा है, अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिविस् तत्त्वदर्शिभिः। जब तक हम लोग अपने ऋषि महर्षियों के जो तत्त्वदृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे, उन महर्षियों के बताए हुए मार्ग पर जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस लोक में भी कभी हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सुविधा की सामग्री का होना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। आज हमारे पास सुख सामग्री पर्याप्त है, फिर भी हम लोग सुखी नहीं, और ऋषि महर्षियों के पास अपर्याप्त साधन, कुटिया में रहने वाले वनवासी रूप में रहने वाले थे, परंतु उनके जीवन में सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। आज बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति भी हमेशा यही कहते पाए जाते हैं कि महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है पर जीवन में सुख शांति नहीं। तो सारा जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने जीवन के लक्ष्य को जब तक हम ठीक से नहीं समझाएंगे, और वो लक्ष्य हमारा केवल शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने बतलाया है उसी मार्ग पर चल करके हम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति सुख निधान परमात्मा का अंश है, आनंद का अंश होने के नाते अंश हमेशा अंशी की तरफ आकर्षित होता है। पानी कहीं भी गिरेगा उसका अंत में प्रवाह समुद्र की ओर होगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। अग्नि कहीं भी प्रज्वलित होगी तो उसकी गति सूर्य की ओर होगी, क्योंकि वो अग्नि का अंश है। पृथ्वी की कोई भी वस्तु आप कहीं भी फेंको वो लौट के पृथ्वी पर आएगी, क्योंकि पृथ्वी का पार्थिव अंश है। उसी प्रकार हम लोग सब सुख निधान जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख निधान है, आनंद सिंधु है, उन आनंद सिंधु की हम सब बिंदु हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में परम लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है, और वो आनंद कैसे मिलेगा, वो केवल ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चल करके प्राप्त होगा। इसलिए भारत वर्ष को या वास्तव में ही विश्व गुरु बनना है, और या वास्तव में अपने ऋषि महर्षियों के संस्कृति और उनके दिए हुए संस्कारों का लाभ उठाना है, तो शास्त्रों में जो उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया है उस मार्गदर्शन पर चल करके ही प्राप्त कर सकेंगे। अब हमारा हमारे यहाँ पधारे कथाचार्य जी से दूसरा सवाल है कि जैसा कि वर्तमान में सनातन जाति विभाजन व्यवस्था के इसी के चलते धार्मिक व्यवस्था एवं विचारों का विभाजन हुआ है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, जाति बात अलग बात है और जाति अलग बात है। हमारे ऋषियों ने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बनाई। वर्णाश्रम माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो सनातन धर्म के चार खंभे हैं। परंतु राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जाति को जातिवाद में परिणत कर दिया। जातिवाद तो ठीक नहीं है, पर जाति आवश्यक है। ऋषियों ने हमारी वर्ण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जीव का जन्म के साथ ही सुरक्षित कर दिया। आज सबसे ज्यादा जीविका का संकट खड़ा हो गया। पहले ऐसा हर परिवार में परंपरा अनुसार सबके काम थे, पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, उसे पंडिताई भी पूर्वजों से प्राप्त है, उसका ज्ञान भी उसे अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से प्राप्त है, उसके जजमान भी सुरक्षित है। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बने तो हॉस्पिटल उसे मिला हुआ है, मैं अपने पिता के सारे अनुभव उसे प्राप्त होंगे और मरीज भी उसके यहाँ मिलेंगे। तो अब परंतु अब हर व्यक्ति हर कार्य में जब प्रवेश करने लगता है, डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनेगा तो पहले तो वो जरूरी नहीं है कि वो वकालत में सफल होगा,
दूसरी बात उसे अलग अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, तीसरी बात उसे पिता का कोई अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी वर्णों की कार्यशैली को उसके प्रकृति को देखते हुए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गीता में भगवान ने कहा मैंने व्यक्ति की प्रकृति को प्राणी की प्रकृतियों के अनुसार यह विभाजन किया है। इसलिए जाति उसके लाभ यह है कि हर व्यक्ति, नाई का व्यक्ति नाईगिरी का काम करेगा, उसका जीविका सुरक्षित है, उसका जीविका दूसरा अपहरण नहीं कर सकता था। तो हर व्यक्ति की जन्म से ही जीविका सुरक्षित थी, उसे कभी जीविका की चिंता नहीं करना पड़ती थी कि मेरी जीविका कैसे चलेगी। आज स्थिति यह है कि हर कार्य में हर व्यक्ति का प्रवेश हो गया तो उससे जीविका का संकट खड़ा हो गया। वो इसलिए इस वर्ण व्यवस्था को जो हम लोग आजकल अभिशाप मानने लगे हैं, वास्तविकता यह है कि ऋषियों ने सबकी जीविका इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा जन्म से सुरक्षित कर दी थी। जो वरदान था, ऋषियों का दिया हुआ वरदान था, आज हमने उसको अभिशाप मान लिया है। अब अगला सवाल हमारा है कि धर्म पर पश्चिम सभ्यता के हमले के चलते संत कथा व्यास से कैसे रोक सकते हैं? देखो, पश्चिम पहले क्या था, सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव दो इंद्रियों से पड़ता है, कान और आंख। वेदों में इसलिए सूत्र मिला, भद्रं कर्णे भी श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमा क्षभिर्भ यत्राहा, अर्थात कर्णे भी भद्रं श्रणुयाम, कान से कल्याणकारी प्रसंग सुनिए, अक्ष भी भद्रं पश्येमा, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखिए। परंतु आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो पश्चिमी संस्कृति परोसी जा रही है, वो आंख और कान दोनों को ही प्रभावित करते हुए छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अपनी संस्कृति से प्रभावित कर रही है। पतन की ओर जाना सहज स्वभाव है, पानी को कहीं भी गिराओ वो नीचे की तरफ स्वभावतः जाएगा, ऊपर को ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कल्याण और उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पतन तो स्वभावतः हो जाता है। उसी प्रकार ये पश्चिमी संस्कृति के द्वारा हमारे नवयुवकों का जो अधोपतन हो रहा है, वास्तव में उसके लिए ये जो कथा वार्ता है, यज्ञ है, इन्हीं के द्वारा हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। जब तक हम यहाँ देख रहे हैं वदरवास में जो नवयुवकों के साथ पूरा नगर का जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है, क्योंकि ऐसा उत्साह बहुत कम आज के युग में दिखाई पड़ता है। तो जब तक ये हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ हैं, सत्संग हैं, कथा वार्ता हैं, जब हम कथा सुनेंगे तब हमें अपनी संस्कृति और पूर्वजों की महिमा का ज्ञान होगा। इसलिए हमें यदि अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करना है और पश्चिमी इस संस्कृति से इस अपनी पीढ़ी को बचाना है, तो उसके लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक है। अगला सवाल, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप कथाचार हमारे श्री डॉक्टर श्याम शरण आनंद सर जी के द्वारा किस तरह हमारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, जो कि एक वर्तमान में युवाओं को जिन अध्यात्म या इतिहास से हम दूर हैं, वह पूजनीय गुरु जी के जो सवालों के जवाबों के माध्यम से हमें सीखने के साथ साथ एक देश के युवाओं को एक दिशा और मार्ग भी मिलेगा। तो हमारा इसी क्रम में एक अगला सवाल, आदि काल में संत महात्मा राष्ट्र की दिशा और दशा तय करते आए, वर्तमान परिदृश्य में आप इसे कैसे देखते हैं? भारत में हमेशा दो गद्दी चली, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी का मार्गदर्शन व्यास गद्दी से धर्माचार्यों के द्वारा कराया जाता था, और राजा जो भी राज करता था, राजनीति करता था, वो शास्त्र और संतों के मार्गदर्शन में करता था। यदि राजगद्दी पर दशरथ जी महाराज बैठे हैं तो व्यास पीठ पर वशिष्ठ जी बैठ करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है पूर्व से ही, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि राजा व्यासपीठ का सम्मान करे, और व्यासपीठ पर बैठे जो आचार्य हैं वो राजा का स्वस्थ मार्गदर्शन करें, और दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके चले। दुर्भाग्य से वर्तमान में ये दोनों ही पीठ बहुत ही
प्रभावित हुई हैं कि आज आप चपरासी का भी चयन करेंगे तो उसकी योग्यता पर विचार करेंगे, परंतु आज स्थिति यह है कि जो राजगद्दी पर बैठा है उसकी उसको किसी भी योग्यता का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति आज व्यासगद्दी की भी हो गई। जब किसी का कोई रास्ता समझ में ना आवे तो कथावाचक बन के व्यासपीठ पर बैठ जाए। ये व्यासपीठ की गरिमा का भी पतन हुआ है और राजगद्दी की गरिमा का भी पतन हुआ है। बीहड़ों में भटकने वाले चोर डकैत भी आज सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। बड़े बड़े जो खतरनाक अनेक प्रकार के अपराधी हैं वो सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं। तो जब तक व्यासगद्दी और राजगद्दी स्वस्थ नहीं होगी तब तक भारत का स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। इसलिए समाज का भी कर्तव्य है कि व्यास गद्दी पर किसको बैठाना चाहिए या राजगद्दी पर किसको बैठाना चाहिए, क्योंकि समाज ही उनको बैठाता है। तो जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक भारत का स्वास्थ्य शीघ्र सुधरने वाला नहीं है। इसलिए उसके लिए समाज को सजग होने की आवश्यकता है। अब हमारा इसी क्रम में अगला सवाल, वेदों के अनुसरण से जब विश्व गुरु बना जा सकता है तो फिर विज्ञान का क्या महत्व, इसको पूजनीय कथाचार्य जी के माध्यम से देखो। विज्ञान ऋषि का, जो ऋषियों ने शास्त्र लिखे हैं, तो वेद पहली बात तो किसी की रचना नहीं है, वो भगवत वाणी है, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा जाता है। वो किसी पुरुष की कृति नहीं है, भगवान की आज्ञा है। और चाहे वेद शास्त्र हो चाहे विज्ञान हो, दोनों ही सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य क्या है? ऋषि का मतलब है आज की परिभाषा में रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले, खोज करने वाले। उस समय ऋषियों ने खोज करी, आज विज्ञान खोज कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऋषियों ने अध्यात्म की ओर विकास किया और आज का विज्ञान भौतिकता का विकास कर रहा है। भौतिकता से व्यक्ति बहिर्मुख होता है और आध्यात्मिक से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। तो जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक उसे सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बहिर्मुख होने पर वो अशांत हो जाता है। अपने भीतर से जितना आप बाहर जाएंगे उतना ही अशांत होंगे, और आप जितना अपने भीतर जाएंगे उतना ही आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो हमारे ऋषियों ने भौतिक सुविधा पर ध्यान नहीं दिया, सुख शांति को लक्ष्य बनाते हुए अंतर्मुखता की ओर ध्यान दिया। आज का विज्ञान विकास तो बहुत कर रहा है पर वो विकास बहिर्मुख है, जिसके कारण व्यक्ति भीतर से घोर अशांत और क्लांत होता जा रहा है। इसलिए बस दोनों, परंतु खोज तो दोनों ही कर रहे हैं। आनंद की खोज दोनों को है, सत्य की खोज दोनों को है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए, विरोधी नहीं है ये। क्योंकि जो विज्ञान की अच्छी बात है वो ऋषियों ने स्वीकार करी, ऋषियों की जो अच्छी बात है वो विज्ञान स्वीकार कर रहा है। इसलिए विरोधी ना होकर के दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। इसी क्रम में मेरा आखिरी एवं अंतिम सवाल, चूंकि कथाचार्य जी से हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि कई कार्य क्षेत्र इनके आगे थे, राजनीतिक से आईएएस आईपीएस या अन्य क्षेत्रों में भी जा सकते थे, लेकिन पूजनीय गुरुजी ने जो धर्म का रास्ता चुना वह क्यों चुना, इसके अलावा इनकी पृष्ठभूमि कहाँ है? चूंकि माना जाता है कि हमारे शिवपुरी जिले से ही हमारे गुरुजी ने ये जो पूरे देश भर में अलग जगाई है वह शिवपुरी जिले में ही हमारे गुरुजी का जन्म हुआ था, इसको लेकर आदरणीय गुरुजी के। देखो, मेरी जन्मभूमि तो है भितरवार। वैसे भितरवार ग्वालियर जिले में आता है, परंतु शिवपुरी और ग्वालियर जिला एक दूसरे से, वो भितरवास का मुसीमा है, इसलिए ये हमारा ही क्षेत्र है। मेरी जन्मभूमि तो यही है। हमारी जितनी रिश्तेदारी हैं, नाते हैं, संबंध हैं, वो सब शिवपुरी जिले में ही हैं, इसलिए ये हमारा ही क्षेत्र है। और यहाँ से, चूंकि हमारे दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए हमारे समस्त शुभ चिंतकों ने पिताजी को हमारे लिए प्रेरित किया कि इस बालक को आप वृंदावन भेजिए और बढ़िया अपनी पितामह की परंपरा को ये बनाए रखें। इसलिए पिताजी ने हमको ज्योतिषी बनाने भेजा। और वहाँ पर चूंकि स्वामी कर्पात्री जी महाराज, जो धर्म सम्राट कहे जाते थे, उनका धर्मसंघ विद्यालय है जिसमें हम
भर्ती होकर के अध्ययन किए और उसमें श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कराया जाता था, तो मेरा आकर्षण श्रीमद् भागवत में हुआ। इसलिए मैं बनने तो गया था ज्योतिषी, पर बन गया भागवत आचार्य। और 16 वर्ष की अवस्था से ही मैंने कथा कहना प्रारंभ किया। आज 1200 कथाओं से ज़्यादा हमारी कार्यक्रम हो चुके हैं और उसमें संपूर्ण अपने देश में ही नहीं, विश्व माने अन्य देशों में, यूरोप में, और अभी मैं कनाडा से ही आ रहा हूँ। परंतु मैंने एक अनुभव किया, अभी कनाडा में जब मैं था पिछले महीने, तो मैंने वहाँ देखा, हम लोग जो विकास की बात कर रहे हैं, हम लोगों से तो वो देश बहुत आगे विकसित हैं, सब प्रकार के सुख साधनों से संपन्न होते हुए भी वहाँ के लोगों ने एक बात हमें बताई कि महाराज यहाँ सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इतने संपन्न सब प्रकार से हैं तो ये इनको किस प्रकार का चिंता है, किस बात की, ये डिप्रेशन में क्यों रहते हैं। तो उससे हमने यही अनुभव किया कि भौतिक बात कितना भी आप सुख सुविधा सामग्री से जुटा लो, परंतु आप जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक आप सुख शांति का अनुभव कर नहीं सकते। इसलिए अब वहां पर संपन्नता की कोई कमी नहीं है, परंतु सिर्फ भौतिक बात में जड़ का विकास होता है। जड़ता का विकास करके आपको शांति कैसे मिलेगी? वो परमात्मा जो परम चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उनसे जुड़े बिना आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आपके घर में बिजली है, हमारे घर में बिजली है, पर हमारा घर बिजली घर नहीं है, बिजली घर अलग है। और उस पावर हाउस से कनेक्शन है तो हमारे घर में बिजली है, और वहां से तार कट गया या वहां से लाइट ही ऑफ कर दी गई, लाइन समाप्त कर दी गई, बिजली की सप्लाई रोक दी गई, तो हमारे यहाँ सारी उपकरण होते हुए भी व्यर्थ हो जाएगा वो। उसी प्रकार हमारे जीवन में आनंद कब तक है? जब तक आनंद सिंधु रूपी उस पावर हाउस से हमारा कनेक्शन है। तो भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उनसे जुड़े बिना, उनसे अपना मन लगाए बिना व्यक्ति के जीवन में कदापि सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सारा हमारे यहाँ उतनी सुख भौतिक सामग्री नहीं है, फिर भी हम लोग भारत में जब बाहर से घूम करके आते हैं तब पता चलता कि हमारा देश कितना सुखी है, जबकि हम लोग भौतिक बात में पीछे हैं, फिर भी हमारे यहाँ आनंद की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े तमाम विदेशी लोग चुटिया रखा के, जनेऊ पहन के, तिलक लगा के यहाँ हरी बोल करके नाचते नजर आते हैं, अपने तमाम भौतिकवाद का परित्याग करके यहाँ सामान्य सुख सुविधाओं में भी वो पूरा आनंद ले रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारा भारतवर्ष आज भी अपने भारतीय संस्कृति को लिए हुए है। जितना वो भारतीय संस्कृति के महत्व को समझेगा उतना ही वह अध्यात्म जगत में प्रगति करेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की बातें सब विदेशी स्वीकार कर रहे हैं। आज हमने जर्मन में देखा संस्कृत अनिवार्य होती जा रही है, हम संस्कृति को गया गुजरा समझते हैं, संस्कृत के से हम उसकी उपेक्षा करते जा रहे हैं, पर विदेशों में जाकर के आपको पता चलेगा कि संस्कृत का क्या महत्व है। अमेरिका जैसे देशों में वहां का कोई भी कार्य होता है तो संस्कृत या मन वेद मंत्रों से उसका शुभारंभ करवाते हैं। हमारे यहाँ सरस्वती की वंदना हो जाए तो सांप्रदायिकता का खतरा हो जाता है। इसलिए इन सब बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और अपनी संस्कृति का महत्व समझने की आवश्यकता है।